बैठिए इधर अरे चढ़ जाइएगा आप बैठिए थोड़ा पीछे हो जाइए ना भैया बैठिए 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 सब झुक गया बैठिए शांत रहिए शांत रहिए सब शांत रहिए भाई हेलो 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 हो गया भाई शांत रहिए सब बैठ जाइए ना भाई अरे भैया आप साइड हो जाइए ना थोड़ा सा घूंघट घूंघट सही घूंघट सही आगे 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 भाई बैठ जाइए हल्ला गुल्ला मत बैठ जाइए सब बैठ जाइए तो कैसे वीडियो बनेगा शांत रहिए सब टेबल छोड़िए ना आप पूरा टेबल पे आ गए बस रुकिए रुकिए शांत रहिए आप हाथ हटा के ना रखिए आरती जी इसको नीचे रख दीजिए आरती जी सबसे पहले अरे भाई यहाँ नीचे एक आदमी कोई बोलिए ना अरे रुकिए ना हो भाई आरती जी सबसे पहले आपको शादी की भाई रुकिए ना भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं टाइम एक आदमी को बोलने दीजिए ना कैमरा ऑन कीजिए सब अरे ऑन करेगा कैमरा ऑन एक्शन स्टार हो हैं ये सारे झुक गए हैं क्या हो वही तो सवाल नहीं इधर से बोलिए ना इधर है कौन भाई सब ऐसे चढ़ रहा चलिए शुरू करिए सवाल बोलिए आरती जी सबसे पहले आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपका भविष्य उज्जवल हो मंगल हो सुखी रहे आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है थोड़ा कड़वा सवाल होगा पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस बात कही थी भाई भाई हमारा भी मोबाइल लगा हुआ है थोड़ा जोर से बोलिए 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 मोबाइल लगा दो अरे हिला डोला कह रहे हैं जी बोलिए बोलिए कहिए थोड़ा जोर से बोलिए क्या कहेंगे इस पर हम क्या कर सकते हैं हम एक लड़की हैं हम क्या अकेले जिंदगी काट सकते हैं उस वक्त हमारे हालात सही नहीं थे बकने का कुछ बक रहे थे कुछ तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे नहीं ना हम लोग या कोई भी कति ऐसा नहीं चाहते हैं आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया आपकी बयान को हम अरे किनका मोबाइल है जी अरे इसको नीचे रखिए ना यार गजब है आपका कहना है कि मानसिक जो संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था इसी कारण मैंने बोल दिया मोबाइल पीछे लीजिए ना हम लोग का मोबाइल है अभी कुछ बोला जाता है तब क्या करें सब दिन ऐसे रहे जिंदगी क्या लड़की है जिंदगी काट सकते हैं सामने देख के बोलिए चलिए खैर अब आपकी शादी हो चुकी है मनु जी के साथ तो कैसा जिंदगी कैसा बीतेगा आपका कैसा बीतेगा तो भविष्य आने वाले दिन में खुश है ना आप शादी के बाद आप खुश हैं इसको बंद कीजिए जी पहले का वही रोकिए रोकिए टेबल पर जा दो टेबल पर जा दो टेबल पर जा दो टेबल पर से पीछे हो जाना टेबल टूट जा रहा है आपके व्यवहार से कैसे लगते हैं छोटू जैसे या उनके विपरीत वो सब सवाल मत पूछिए सवाल अभी आप खुश है ना शादी के बाद अरे ऐसे में नहीं होगा यार ऐसे में नहीं होगा ऐसे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है नहीं होगा छोड़ बंद करवाइए बंद करवा दीजिए रुके रुके रुको एक आदमी सवाल करो ना यार अरे भैया आप ही अरे बढ़ाइए ना हो ठीक से स्थिर से सवाल पूछ रहे हैं बीच में हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा पूछिए ना पूछिए पूछिए भैया पूछिए और पीछे चलिए और पीछे इनका पीछे रखिए भाई साहब किनका है पीछे रखिए आपसे आग्रह है लगातार आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा आवाज नहीं आएगा और जब भी आप बोलेगा बोल्ड आवाज में बोलेगा बीच में कोई आदमी नहीं बोलिएगा बोलिए ना चलिए 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 रेडी अरे रेडी हालात थे कि आप लोग देख ही रहे थे कैसे हालात थे उस वक्त का अभी और का कितना फर्क हो रहा है भैया आपका फोन बहुत ज्यादा आगे आ रहा है उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाली है कैसे आगे हालात बदलने ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए इसलिए आपने शादी किया था क्या ये बात सही है ये भी तो बात सही है आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए सुने आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है
आपके स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुए 164 के बयान में, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता वैसे ही रहता है, मिनट में पल भी क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू के विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे। अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम, समाज का जो आरती हमेशा अपना डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन ने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपने खुद के बदौलत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो बहुत जल्द? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से कितना भी रुक सकते थे ना, एक साल कैसे रुक सकते हैं जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? रहना है समाज में, रहना है समाज में, यही बोले जाना। आप मैंने पहले ही समाज बोल रहा था, मोटा 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 मोटी शादी से समाज के डर से, समाज के दबाव में आप शादी नहीं ना किए हैं? अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है तभी तो कुछ होता है। आप भी सहमत है ना? समाज में सहमत, हम समाज में रहेंगे तो समाज का बात नहीं है। चीज है सामने 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 क्या छोटू की, एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है, ये सब जो बात बीत गया बीत गया, जब आप लोग को हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं बीते हुए बात को मत लाइए, मत लाइए, तो देखिए एक पत्रकार को सवाल करने से आप क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हाँ ये चीज बोल रहे नहीं रहे, कभी जब 5 महीने पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया, हत्या हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुला कर शादी कर लिया आपने, गम को हम नहीं भुला, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है, समाज से पूछ लीजिए। स्टेज पर देंगे वो, देह पर चढ़ गई है, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं, तो क्या ये मान लो ये सवाल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए पत्रकार आपका आपका गुलाम है, पत्रकार पत्रकार गुलाम आपका, पत्रकार गुलाम आपका। देखिए देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल का